बेरपाल जी, ये मेरे को ना आपका बोटिया लग रहा है नस्ल का, है ना? बोटिया तो नहीं है ये, की बोटिया है ना? देखो कहाँ से कहाँ कहाँ है। अभी कुत्ता भी भौंक रहा था, बड़े वाला बोटिया वाला। अच्छा भालू वाला यहाँ पे आम है, बात है ना? आपका बड़े वाला डोर कहाँ पे है? ये बालू अभी देखा कहाँ पे आपने? कहाँ पे देखा? कहाँ पे गया? उधर गया नीचे ना। तो लो जी, ये हो रही है गद्दी वेट पालकों की दारू पार्टी। आज चलेंगे जय शंकर की। तो आज चले ए आ गया मार नॉर्मल मार भाई। मैंने मेरे को तो टेस्ट करी दी। क्या हो गया? टेस्ट करूं? तेज है ज्यादा, तेज बड़ा था। बेड़पालक जी ने अभी काकू बेड़पालक जी को पहचान लिया। तो आपने फोन में देखा काकू बेड़पालक को, तो कहाँ को गए अभी वो? कुछ मैं गड्डी तो सारे जक्स। अच्छा आपने आपने देखा उनको? देखा मैंने कहीं है, मैंने यहाँ देखा ना। इस साल नहीं मिला ना। अच्छा मिला ना, देखा मैंने ना। अच्छा जी, ये पांगी तक जाते हैं एंड? हाँ पांगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी सही बात। हाँ जी, तो मेरे को तो बोल रहे थे कि आना है, मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी मेरे को छुट्टियां मिली, मैं आ गया। आपके पास आया, उनके पास आया, मेरे के लिए एक बात है। जूम कर दो, जो बकरी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है और अपने गति भेड़ वाले भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। पांच है ना? अच्छा पांच बच्चे हैं ना। अच्छा एक दो बड़े हैं। अच्छा दो बड़े हैं, दो बच्चे हैं। ये वाला आपको डॉग कहाँ से मिला था? ये वाला कुत्ता? ये तो हमें पता नहीं, मेरे छोटे भाई से कहाँ से ले आते, दो बच्चे ले आते लेके। अच्छा जी, हिमाचल से ही कहीं से? एक वो मर गई बेचारी कुत्ती ना। अच्छा जी, पर बाहर से मंगाया है? बाहर देश से? अच्छा जी, माल वाले को बहुत दिक्कत है। हाँ जी, हर एक साइड से परेशानी है। घास नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा, रोड में जाना, गाड़ी बड़ा दुखी करते हैं। सही बात है। तो फिर गवर्नमेंट तो हमारे साथ दे रही है पूरा ना। हाँ जी, ऐसा ना जंगल में चलना फिर भी आसान नहीं है ना। कोई पता नहीं किधर से कौन सा खतरा तैयार हो पहले ही। कहीं गिर जाए। सही बात है। कहीं जानवर है, कहीं आदमी है खराब। सही बात है। इस साल तो बर्फ पड़ा था, आज का काल के टाइम में आना। अच्छा जी, बहुत नुकसान होगा लोगों का। अच्छा जी, तो फिर पिछले साल पड़ा था बहुत ज्यादा, जो ये तबाही हुई थी मनाली में। हाँ, मनाली। वो बर्फ के कारण ही हुई थी। कितनी ज्यादा बर्फ गिरी थी उन दिनों में? यहाँ तो कम पड़ी ना। सुसाइड पड़ी था, स्पीति में बहुत पड़ी थी। सात दिन भूखा रह गया वहाँ। गद्दे लोग बोल रहे थे कि बेड़ बकरी भी मर गई। बेड़ बकरी मर गई उनकी बेचारे जी। हेलीकॉप्टर से रोटी भेजी। अच्छा गद्दियों को? गद्दियों को। पूरा स्टाफ गया यहाँ से डॉक्टर का। अच्छा जी, पीछे गद्दी मिला था ना एक, नाले पड़ गए पानी के, वो निकल को नहीं रहे। सही बात है। मैदान को किसी तरह नहीं, बंदे मिले पीछे। गद्दी मिला था ना एक, वो था पिछली बार मैं इधर गया था। क्या नाम बोला आपने अभी? हाँ जी हाँ जी, बोलते कि मेरा माल मरा था उस टाइम, पता नहीं 150 पता नहीं कितना मरा था उसका। मर गया बेचारे का। 300 पता नहीं इतने मरा था, वही उसके मरा होगा फिर, है ना? सात दिन घास नहीं मिला। सात दिन नहीं मिला, भूखा मार गया। सही गल, बहुत है कि बर्फ भी बड़ी ज्यादा पड़ी थी। बालू आ जाता है नीचे इधर तक? बालू आता भाई, बालू आ जाता है इधर, है ना? तेंदुआ तूंदुआ नहीं आता यहाँ, यहाँ बालू होता है। अगर आज आ गया बालू तो बचा लोगे हमें बालू से? यार बालू ने खाएगा आपको, कुत्ते मरे जो पड़ जाते हैं ना। अच्छा जी,
कुत्ते आने नहीं देते हमारे कुत्ते जिंदगी करते कि आ गया वो। ठीक है जी। उस दिन हम थक गए थे ना रास्ते में आए थे हम लोग चलते चलते। अच्छा जी। कुत्ते भी थक गया था। हाँ जी। कुत्ते भी सो गए बेचारे। कुत्ते भी सो गए। बस भर गई। सही बात है। बकरी खा ली उन्होंने। ओए होए होए आ थक लगी होगी ना आपसे भी नहीं उठा हो, गया होगा फिर पता नहीं लगा क्या हुआ रात। देखिए हमने पा रहे बकरी पूरी बकरी खाई। अच्छा जी। उतर पतल गए ना आदमी ने कोई खतरा है। खतरा तो माल वाले को ऐसे ही है। अब जैसे नीचे बोल रहे ना उभंग भंग भी रहे जंगल खोद रहे। सही बात है। खतरा है ना गधी लोग का। बैठे है भाई ठीक हो आप? हाँ भाई ठीक है। भाई लगे फोन पे अपना तो देख सकते हो भाई कैसा माहौल हो चुका है भाई। अभी रात होने वाली है थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। सो ऐसा पूरा माल नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे गद्दी पेट पालकों को। पानी की बहुत आवाज तेज आ रही है यहाँ से ना। सो अभी हम चाय पी रहे हैं भाई। बहुत ही अच्छी चाय बनाई है गद्दी पेट पालक जी ने। प्रेम प्रेम लाल जी आपका नाम है ना। प्रेम लाल जी के पास आज हम बैठे हैं। सो काफी अच्छा लगा। इन्होंने बहुत ज्यादा केयर की हमारी। आते ही इन्होंने चाय पानी पूरा मतलब देखभाल किया हमारा। कोई भी कमी नहीं आने दी है। और जब हमें ये नीचे मिले थे ना तभी इनके एक पेट पालक थे साथ के ही बंदे उन्होंने बोल दिया था कोई टेंशन नहीं भी आ जाओ कुछ नहीं आपको बोलते हम तो आप हमारे साथ रह सकते हो रात को। तो मेरे को काफी खुशी हुई थी इन्होंने मेरे को शुरू से ही साथ दिया। तो ऐसे होते हैं गद्दी पेट पालक बहुत ही दिल के साफ बंदे होते हैं। तो लो जी ये प्याज भी कटना हो चुका है स्टार्ट। तो भैया अब क्या तड़का लगाओगे? किसको? थोड़ा सब्जी कम होनी बनाइए ना। अच्छा जी। मैं कम में घी पे करा दो दिन बनाना। अच्छा जी मैगी के पैकेट बनाने साथ में। ओके तो ये सारा सामान इनका देखो जी कैसे पूरा मुश्किल बड़ा भाई सफर होता है। बाहर तो है ही पल पल मुश्किल है। क्या करना भाई रहना पड़ना है ना माल के पीछे। सही बात है। आज भाई मैगी बनाने जा रहे हो फिर आए हाय इन पहाड़ों को देखो दोस्तों। इन पहाड़ों में है ही कुछ अलग बात है भाई देख सकते हो। देखो जी आग जल नहीं रही आज क्योंकि जो लकड़ी है वो गीली हो चुकी है पूरी। बारिश कल रात बोलते बहुत ज्यादा हुई है। कल कितनी ज्यादा बारिश हुई थी? कल तो बड़ी बारिश हो गई रात। इधर पानी जैसे होता है तो खड़ा हो जाता होगा नीचे ना। हाँ। भीगे तो नहीं फिर आप? टेंट में नहीं आता है। टेंट में नहीं आएगा पानी जितना मर्जी चाहे हो जाए ना। निकलता कई बार पत्थरों के नीचे। अच्छा इसके पत्थरों के नीचे आ जाएगा ना। इसके नीचे के निकलता। अच्छा आपके इन बिस्तरों से होके नीचे से ही निकल जाएगा ना। फिर जब बड़ी बड़ी बारिश हो गई ना। अच्छा जी अच्छा नहीं मतलब गीले नहीं होंगे आप ना। अकेली रहेगी है। ये देखिए ये बकरी है ना जो बोल रहे हैं कि ये ना दूध के साथ खुद मतलब इसको पाला गया है दूध खुद पिलाते थे है ना जी। तो इस कारण ये ना जाती नहीं है इनके पास है। ये बाकी सभी के साथ नहीं रहेगी इनके आसपास ही रहेगी ज्यादातर। तो एक होता है पालतू बिल्कुल पालतू होता है वैसा ही इनका कुछ प्यार है इनके साथ। तो ये आगे कुछ मतलब इनके डॉग्स की खाना आ गया है तो दिखा दिए बर्तन में खाएंगे ना एक इज्जत मान के साथ है नहीं। तो ये अभी आपको बताते हैं थोड़ा मैं भी बाहर जाके शॉट ले लेता हूँ ना जी आपके कुत्तों को जैसे है ना। ये भाई इनका बड़े वाला कुत्ता इसका थोड़ा पास में नहीं जाएंगे क्योंकि जो गद्दी डॉग होते हैं ना ये जब इनको खाना डालते हैं ना तो भाई इनके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपके कुत्ते पढ़ते तो नहीं ऐसे खाना डालते नहीं, तो नहीं, 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 इनका नहीं है इतना ना। कई मैंने देखा कुत्ते होते ना गद्दियों के खाना डाल दिया उनके पास नहीं जाने देंगे वो। नहीं मेरा कुत्ता नहीं पढ़ता। अच्छा जी कुत्ती है
दो है ना मेरे। अच्छा ये दो है आपके है ना। अजय छोटा सा ये आपका नहीं है छोटा, ये दूसरे का है ना। अच्छा ला ला देख उनका सबसे बड़ा कुत्ता यही है भाई। ये इसका काफी ज्यादा हाइट है भाई, काफी तगड़ा कुत्ता ये भाई। ये मेरे बेर पालक जी, ये मेरे को ना आपका बोटिया लग रहा है नस्ल का है ना। बोटिया तो नहीं है ये की थी, बोटिया है ना ये है बोटिया भाई। बोलते हैं कई बोलते हैं कि बोटिया होते हैं वो मतलब चिट्टे कलर का नहीं होता, वो काला ही होता है ना। सो बोटिया जो होते हैं वो हरी कलर में होते हैं। अच्छा बेर पालक जी, जैसे बोटिया डॉग होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि बोटिया कलर जो होता है सिर्फ काला ही होता है, सिर्फ काला होता है, सफेद भी होता है, सफेद भी होता है, हर पास हर चीज का होता कुत्ता। अच्छा बोटिया जो होता है वो हरी रंग का हो जाता है ना ये। देखो जी अब इनसे भी आपने सुन लिया कि बोटिया जो होता है वो सिर्फ काला ही नहीं होता है, इस कलर का भी बोटिया होता है भाई, हर कलर का हो जाएगा, हर कलर का। सही बात है, मैंने भी देखा था ना नेट के ऊपर, तब पता लगा था मेरे को भी। अच्छा इस वाले कुत्ते को अभी तो तीन कुत्ते हैं, बाकी कहाँ पे गए? एक यहाँ नीचे कौन है, एक इधर। वो भी आ जाएंगे दोनों। दी उसको रोटी। अच्छा उसको दे दी। हाँ वो है, देखो कितनी दूर है मेरा टेंट। वो देखो अभी दिख रहा है, इतनी दूर है हमारा टेंट है ना भाई। ठंड ज्यादा है इस टाइम है ना, इस टाइम बढ़ रही है ठंड अभी धीरे धीरे, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी यहाँ पे है ना। नहीं। वो चमका हुआ है इनका, वो देखो भाई लाइटें वगैरह पूरा डेरा चमका हुआ है। ये बेट बकरी आप देख सकते हो, रात को तो इतने दिखेगी भाई। इस कुत्ते पे माना जो आया, ये आया एक कुत्ता, ये भी है, ये भी खतरनाक है। उसने खा ली बालू, क्या हो गया बालू आ गया। चलो चलो भाई देखो कहाँ से कहाँ है। अभी कुत्ता भी भौंक रहा था, बड़े वाला बोटी वाला। अच्छा भालू आना यहाँ पे आम है बात है ना। आपका बड़े वाला डॉग कहाँ पे है? ये सो गया था नीचे। अच्छा एक वो परे, एक परे पत्थर को सोया, एक नीचे सो गया। अच्छा ये किस पर गया रोडन से कूदा बालू? अभी देखा कहाँ पे आपने, कहाँ पे देखा, कहाँ पे रहा? नीचे गया वो, उधर गया नीचे ना। अरे यार पुंजी पुंजी ने अभी अभी तभी डॉग बड़ा जोर से भौंक रहा था ना, तो मैंने बोला कि इसको क्या हो गया। सो आपने देखा ये गद्दी बेर पालकों की कितनी डिफिकल्ट लाइफ है भाई। मैं तो एकदम ना शॉकड हो गया, जैसे ना आवाज आई ना उधर से एकदम, तो कुत्ता भी एकदम ना भौंका। और भाई बोटिया डॉग तो भाई सच में मतलब ना एकदम ना उसने ना इतनी जोर से भौंका, वो इतनी जोर से भौंका कि भागता चला गया भाई बोटिया डॉग। और बोटिया डॉग भाई खासियत है कि ये डॉग नहीं मानते भाई, ये तो ना मतलब आर पार करते हैं काम। उसने भगा दिया भाई कुत्तों ने, सभी कुत्ते एकदम मतलब ना बोल पड़े। मैंने वो वाले शॉट जो लेना था ना वो मिस कर दिया, पर इसका मतलब कि भाई बालू अब दोबारा भी आ सकता है। ऐसे ना वो दूर था थोड़ा बालू ना, तो उसको देख के भाई कुत्ते भौंक पड़े और उसको उधर से ही दूर कर दिया, तो बालू भाई नॉर्मल है यहाँ पे आप देख सकते। कुत्ता भी बोलना स्टार्ट कर दिया, अभी आ गया है ना दोबारा, दोनों आ गए ना वो। अच्छा जी तभी ये कर रहा है आवाज। काम पाई फेरी
ये क्या चीज है? क्या बोलते इसको? मसाला। बस 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 गरम मसाला। ये कौन सा मसाला है? मिर्च। ये कैसी मिर्च है? ये लाल रंग की क्यों नहीं है? ये लोकल है, ये अपनी पहाड़ी। लोकल है, अपनी पहाड़ी। जो पहाड़ी पहाड़ी एक मक्की होती है आपकी, वो भी सफेद कलर की रोटी बनती है उसकी, है ना? आ जाओ आप, निकल आओ बूट खोल के। मैं तो तड़का ले रहा हूँ ना इसका, वीडियो नेचुरल जो हो रही है गद्दी पेट पालकों की कैंपिंग। अच्छा आ गए जी? आ गए जी। अच्छा कम दे भाई बेटा, नमक कम डालो थोड़ा। नमक कम, बड़ा ज्यादा हो गया, बीच में से निकालो। बड़ा कम, मैगी में तो नमक डालना ही नहीं है। ये ऐसे उस कर चीज डालो। बहुत ज्यादा हो गया, निकाल। नो जी, मैगी भी डल चुकी है। नमक मेरे को भी वही लग रहा था कि नमक ज्यादा हो जाएगा। ओ ये नहीं सुन रहा सब तय केंद्रा पूरा। ये आ गई सब्जी। आज हो रही है गद्दी बेट पालकों की दारू पार्टी। आज का खाना बड़े तो लो जी, ये हो रही है गद्दी बेट पालकों की दारू पार्टी। आज चलेंगे जय शंकर की। तो आज ये आ गया मार्स। चलते हो गया मरी में मेरा प्रश्न मनाली में हो गया। मतलब आप माल के साथ जा रहे थे? माल के साथ आ रहा था। उम्र बता दो। डॉक्टर ने मेरे को बहुत गलत दवाई खिलाई। डॉक्टर ने मेरे को बहुत गलत दवाई खिलाई कुल्लू में। अच्छा जी, उन्होंने खिलाई पत्थर की दवाई मेरे से। हाँ जी। तो फिर मनाली वाले बोल रहे असर हो गया। अच्छा जी। तो असर बैठ गया मनाली में। 1 बजे रात को मेरा ऑपरेशन हो गया रात को मनाली जाके। अच्छा जी। माल तो चल रहा था अंदर यही जी, आगे पीछे रास्ते में 3 साल पहले बात ऐसे। तो ऐसा है हमारा एक काम है, ऐसा है कि माल के साथ चलना। माल के साथ रोटी है हमारी इनके ऊपर, रोजी रोटी है हमारी। रोजी रोटी है, जैसे आपकी नौकरी है उनका बेसी मारी। तो फिर 1 बजे रात को ऑपरेशन हो गया। घर से आए 5 बजे गाड़ी लेके गाड़ी मिशन में जी। तब मेरा वहाँ ऑपरेशन हो गया। अच्छा, लक मेरा बहुत अच्छा था कि वहाँ डॉक्टर नहीं था बड़ा डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर भी आ गया 1 बजे को पहुंच गया। किस्मत होती है, किस्मत की बात है। हाँ। वो खाओ आलू खाओ। अच्छा जी, जो आपका मतलब अल्सर फटा था सिर्फ माल के पीछे चलने से ही फटा था? चलते 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 रास्ते में हो गया। इतनी मुश्किल है ना, मतलब कभी चलना पड़ता है तो 10 किलोमीटर, कभी चलना पड़ता है तो 20 किलोमीटर। ये बात सही है ना। घर से मैं बिल्कुल सही था। अच्छा जी, मेरे पिताजी मेरे को फोन कर रहे थे कोठीपुर के पास आके। तो कहाँ पहुँचे आप लोग? मैं कहा ठीक है, मैं चल रहा है, माल चल रहा है मेरा। जब मैं मरी में पहुँच गया तो मरी आके मेरा ब्यास नाला में मेरा हो गया। आप कितनी कितने साल के थे तब? ये तो अभी तो हमारी 53 साल हो गए मेरी इस टाइम। अच्छा, तब कितने साल के थे जब ये ऐसा हुआ था आपके साथ? 45 साल का था। फिर मेरा प्रश्न हो गया मनाली मिशन में जाके 1 बजे रात को जी। तो माल के साथ मुश्किल हो जाती है, माल को बहुत मुश्किल है माल के बारे में। माल के साथ कोई आसान थोड़ी ना रहना। इतना माल एक साथ रखना, किसको छोड़ेंगे पीछे? जितना आप कष्ट फ्री मिलती है, एक छतरी, एक बरसाती वर्दी बूट, अब वो मिल रही है। अच्छा, पहले मिलती थी? हाँ, गवर्नमेंट देती थी। गवर्नमेंट देती कहाँ थी आपको? मंडी में फ्री, भेड़ बकरी
मारे को अब ये कागजी बंद किए तब बोलते मोदी मोदी मैं जानते हैं मोदी तो नहीं उसके और तो पीछे पड़ा ना मतलब और... मतलब आपको जो पहले सरकार देती थी तो ये कौन से मतलब जिले में देती थी आपको मतलब कहाँ पे कुल्लू में मिलता था आपको सामान या कहाँ पे मिलता था कुल्लू में मिलना इनको एक टेंट भी लेगा फ्री मिलता भाई जिसका परमानेंट है ना लोड़ वाला उसको मिलना उनको मिलना ये लोड़ वाले देते हैं या फिर कुल्लू वाले कागज जो सेंटर से मिलता है हाँ जी सेंटर से मिलना ना प्रेमचंद गवर्नमेंट देगी टेंट मिलेगा वर्दी मिलेगी छतरी मिलेगी सब कुछ अच्छा वो भी नहीं दिया चोर नहीं है मोदी पाँच छह साल नहीं मतलब देते आपको मेन सेंटर है कहाँ पे आपका सेंटर कहाँ पे है जहाँ पे आपको लेने के लिए जाना पड़ता है ये सारा सामान नहीं गवर्नमेंट भेजती है दिल्ली से हाँ जी होता है शिमला से वो अच्छा। मन पड़े ना। आपने अपना एड्रेस दिया होगा आपके घर में पहुँच जाएगा वो सारा सामान डॉक्टर के पास भाई बात ऐसी है ना हाँ जी जो एड्रेस क्या होना मेरा पास मेरा तो फॉरेस्ट के पास पूरा एड्रेस है मेरा प्रमाण है ना लाल छोमलो का प्रमाण है मेरा नहीं मैं डाल दी खत्म हो गया दुगा था अच्छा लाल में ना दुगा था जे ऐसी बात है यार ऑर्डर था नहीं वो कोटा हमो वो के मिलो ही यार ये रही होना है सच्चे तरह बंदे अंदर ना बेड़पालक जी ने अभी काकू बेड़पालक जी को पहचान लिया तो आपने फोन में देखा काकू बेड़पालक को तो कहाँ को गए अभी वो मैं गड्डी तो सारे अच्छा आपने आपने देखा उनको देखा मैंने कहीं मैंने यहाँ देखा ना इस साल नहीं मिला ना अच्छा कभी देखा मैंने ना अच्छा जी ये पांगी तक जाते हैं एंड पांगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात हाँ जी तो मेरे को तो बोल रहे थे कि आना है मेरे पास टाइम नहीं होता अभी मेरे को छुट्टियां मिली मैं आ गया अभी आपके पास आया उनके पास आया मेरे के लिए एक बात है पर वो मेरे को नाराज हो जाते हैं बड़ा मतलब कि नाराज हो जाते हैं मेरे साथ छुट्टी आपकी बस कल चल जाना हमने परसों चढ़ जाना हमने ड्यूटी पे परसों सुबह 9 बजे ड्यूटी बस आज आपके साथ बैठ लिए हमारे लिए सब कुछ है नहीं आपके पास पहुंच गए ना भाई।